गाइस वेलकम बैक टू YouTube चैनल एंड अदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग भी खास होने वाला है क्योंकि मेरे पास आईफोन 7। जी हाँ, आईफोन 7। आप लोग सोच रहे हो कि आईफोन 7 मैं 7 साल बाद इसका रिव्यू क्यों कर रहा हूँ, 2023 में इसका रिव्यू मैं क्यों कर रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये आईफोन 7 जो है ये आज से 7 साल पहले यानी आईफोन जो 7 जो है ये 2016 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। एंड उसके बाद भी ये आईफोन जो 7 है ये बहुत चलने वाला, बहुत बिकने वाला ये जो फ़ोन था ये मार्केट में आया था। एंड इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो फ़ोन आ रहे हैं आईफोन के उनके साथ ये कंपेयर कर रहा है, जैसे मैं 11, 12, 13 या 14 की या 15 जैसे आ चुका है इसके मैं साथ कंपेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो इसके छोटे मॉडल थे उसके साथ ये कंपेयर करते हैं तो इसको ये इसका कैमरा क्वालिटी है बहुत ही मतलब गजब है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ये बढ़िया है। तो आज के 2023 में हम देखेंगे इसकी जो इसको लेना सही है भी या नहीं है, तो अब इसका हम एक रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू के लिए हमारे पास जो लोकेशन है वो हमारे पास खेत है, जहाँ मैं यहीं आता हूँ, तो हम यही लोग जो आ रखे हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में, जिसकी बॉडी है, इसकी जो डिस्प्ले है एंड जिसकी कैमरा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पीछे जो एकदम ये फोन एकदम प्लेन बॉडी के अंदर आपको मिलेगा, जिसमें सिंगल कैमरा मिलेगा आपको, साथ में फ्लैश लाइट मिलेगी आपको एक, और साथ में एक नॉइस सेंसर जो है ये माइक्रोफोन वाला आपको देखने को मिलेगा। एंड सामने से आपको फ्रंट में दिखा दूँ मैं आपको, तो ये आपको 4.7 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलेगी जो XDR के अंदर है। एंड नीचे आपको स्टीरियो माइक मिलेगा एंड इसमें जैक नहीं है, आपको अवेलेबल जैक नहीं रहेगा इसमें क्योंकि ये ईयरफोन जैक इन्होंने हटा दिया है, आईफोन 6s में था वो जैक था। एंड आपको सामने एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर है ये नीचे जो ये आप देख रहे हो ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। एंड ऊपर से आपको दो सेंसर मिलेंगे, एक सामने एक सेल्फी कैमरा मिलेगा। एंड पीछे से हम बात करें तो ये 12 मेगापिक्सल का कैमरा है ये, जो 4K में 30fps एंड 60fps, 720 पिक्सल में 30fps एंड 60fps आपको देखने को या रिकॉर्ड करने को मिलेगा। जल्दी से हम इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि अब ज़्यादातर मेरे से ज़्यादा मतलब लोगों ने वीडियो इसकी बना बना के डाल रखी है। बाकी आपको एक इसका फुल वीडियो देखना है तो मेरे ही चैनल पर आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो आईफोन 7 की ही वीडियो वो। तो जल्दी से हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी मैं कुछ नॉर्मल फोटोज थी जो मैंने नॉर्मल फोटोज थी मैंने क्लिक किया, नॉर्मल ही बोलूँगा क्योंकि इसमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन तो है नहीं, आईफोन एक्स के बाद ही जो है पोर्ट्रेट का ऑप्शन आया था। एंड जो नॉर्मल फोटोज थी मैंने वो क्लिक कर लिया, आपको स्क्रीन पे जो दिख रही होगी। उसके बाद हम इसकी कुछ जो वीडियो क्वालिटी है वो हम चेक करते हैं। गाइस अभी ये वीडियो देख रहे हो ये आईफोन 7 के अंदर 4K 30fps में शूट कर रहा है, ये 60fps में शूट नहीं करता। ये जैसे पहले वीडियो थी वो आईफोन 6s से शूट हो रही थी ये, तो ये देखो मेरे पास ये आईफोन 6s है एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हो ये आईफोन 7 से शूट हो रही है। अभी मैं इसकी और क्लिप दिखाता हूँ आपको एंड आप मेरे को बताना, कमेंट करके बताना कि बेटर कौन सी वीडियो थी, पहले वाली वीडियो बेटर थी या आप जो अब शूट हो रही है ये वाली बेटर थी। Escucha mi salsa ahora, mi salsa para bailar, este ritmo tan sabroso, el ritmo para... Okay. ये था आईफोन 7 का ब्लॉग। एंड अभी मैं बताता हूँ कि आईफोन 7 जो है 2023 के अंदर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, परचेज करना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब नए तो आने बंद हो चुके हैं ना, आपको सेकंड हैंड ही बाय करने को मिलेंगे। आईफोन जो 7 है 2023 में बाय कर लेना चाहिए अगर आपको एक बढ़िया कंडीशन में 5000 से लेकर 6000 की रेंज में आपको मिलता है तो आपको ये बाय कर लेना चाहिए। इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो मतलब शानदार है, 4K जो शूट करता है ये और जो फोटोज है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी तरह से शूट करता है। एंड आई आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Se están arrollando, la banda está candela.